अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये वीडियो भाषा मले लर्निंग के सिलसिले में है और इसमें हम ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो कि भाषा मले और उर्दू में बिल्कुल एक जैसे ही हैं अपने मतलब और प्रोनंसिएशन के लिहाज से, और उसको याद करना बहुत आसान है। इससे पहले हम लोग तकरीबन 165 अल्फाज सीख चुके हैं और अब हम 166 में रफ़ से शुरू करेंगे। मले में इसको कहते हैं बेअदब और उर्दू में कहते हैं बेअदब, यानी कि रूड या गुस्ताख। मले में बेअदब और उर्दू में बेअदब। मले में बीबी, जिसको उर्दू में भी बीबी कहते हैं, यानी कि कोई खातून। मले में बीजी और उर्दू में बीज। बीजी का मतलब होता है बीज या फिर दाना, जो भी काउंटेबल चीज़ें होती हैं उसको, उसका एक दाना जो है उसको बीजी कहते हैं। अगला लफ्ज़ अरबी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि उर्दू स्पीकर्स को पता होता है, इस तरह से उनके लिए भी मैंने ये लिख दिया है। बेन, जिसका मतलब होता है बेटा या लड़का, और इसको भी इसी तरह यूज़ करते हैं जिस तरह अरबी में हम बेन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है बंगला, जिसको उर्दू में कहते हैं बंगाल, इंग्लिश में से बंगाल कहते हैं। उसके बाद है बोडो, जिसको उर्दू में हम बुद्धू से याद रख सकते हैं, उसका मतलब होता है बेवकूफ़ या बुद्धू। उसके बाद है ब्राह्मण या ब्राह्मण इसको कहते हैं ज़्यादा, और इसको उर्दू में ब्राह्मण कहते हैं। मले में ब्राह्मण और उर्दू में ब्राह्मण। उसके बाद है बरांडा, जिसको जो बंदरगाह से मिलता है उसको, उसका मतलब पोर्ट या बंदरगाह होता है। अगला लफ्ज़ है बूढ़ी, जिसका मतलब अकल होता है। इसको हम संस्कृत के जो वर्ड है बुद्धि, उसे याद रख सकते हैं। ये उर्दू में भी इसका मतलब आता है अक्सर लोगों को, तो इसका, उसको हम बुद्धि से याद रख सकते हैं, जिसका मतलब अकल होता है। उसके बाद है बुद्धिमान, जिसको हम अकलमंद शख्स को कहते हैं, और ये भी संस्कृत या हिंदी लफ्ज़ है और उर्दू में अक्सर इसका मतलब पता होता है सबको। उससे अगला लफ्ज़ है चाबुक, जिसको हम उर्दू में भी चाबुक कहते हैं, या मले में चाबुक और उर्दू में चाबुक। उसके बाद है चर्चा, जिसका मतलब होता है उर्दू में चर्चा से इसको याद रख सकते हैं। इसका मले में मतलब होता है बेइज्जती या बदनामी, या फिर किसी को अगर बुरा भला कहा जाए तो तब भी उसको चर्चा कहते हैं। फिर चीना है, और चीन को कहते हैं मले में चीना और उर्दू में चीन। उसके बाद चिंता, जिसका मतलब ये भी हिंदी वर्ड है और इसका मतलब होता है परेशानी। मले में इसको परेशानी, उदासी, मोहब्बत तीनों चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। उससे अगला लफ्ज़ है चोरी, जिसको उर्दू में भी चोरी कहते हैं और मले में भी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।